इतना परेशान क्यों रहते हो? हम देख रहे हैं इस परेशानी में तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। परेशान क्यों ना हो मैं? क्यों परेशान ना हो मैं? जैसे घड़ी की सुइयां 11 बजे के करीब पहुंचेंगी, मैं पागलों की तरह उसके घर की तरफ जाऊंगा। तो खुद को काबू में रखो और मत जाओ वहां। खुद पर काबू करने की मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही है। उस वक्त मेरा दिमाग सिर्फ उसके नियंत्रण में होता है, अपने अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर मेरा कोई बस नहीं रहता। यह तो बड़ी अनहोनी सी बात है बेटा। ये कैसी अनहोनी? वो रोज मेरे साथ होती है। रामू काका, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूं, साइकोलॉजी का प्रोफेसर, साइंस में यकीन रखता हूं। बिना प्रमाण के, बिना प्रूफ के, बिना लॉजिक के मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन यहां पर आकर सारी लॉजिक फेल हो जाती है, बेकार हो जाती है। कुमार बेटे, हमने अपने गांव में देखा था, किसी पर भूत आ गया था, किसी पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था, मगर आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ऐसा तो हमने अपनी 60 साल की जिंदगी में कभी नहीं देखा, नहीं सुना। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, बाहर से दरवाजे को लॉक कर देना और सुबह तक मत खोलना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो मेरी ये है कि आज रात उस औरत से मिलूं ही नहीं। आज रात 10:30 बजे फिर मैं ये डायरी लिखने बैठा हूं। 11 की तरफ बढ़ती ये घड़ी की सुइयां रोज मेरे लिए एक मजबूरी की शुरुआत होती है। 11 बजते ही मैं एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं रहता, एक ऐसी कठपुतली जिसकी डोर उस औरत के हाथ में है, जिसे कुछ दिन पहले तक मैं जानता भी नहीं था। इस कहानी की शुरुआत 17 दिसंबर की शाम को हुई थी। मैं और मेरी मंगेतर अंजू डॉक्टर चैटर्जी की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी पर गए थे। गॉड, इतनी गाड़ियां, सब लोग आ चुके हैं। चल, अरे बुके तो लो, बुके, कम ऑन। ओके, यस। हेलो एवरीबॉडी। हेलो जी, कैसे हैं? अरे इट्स एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक है। खन्ना साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कांग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू, नाइस टू कम हियर। आपका ग्लास? हाँ ठीक है, सब एवरीथिंग ओके। हाँ अच्छा, आप लोग खाना खा के जाएंगे। हाँ डॉक्टर चैटर्जी, ऐशो ऐशो प्रोफेसर कुमार। हेलो अंजू। हाय। अरे भाई, बड़ा इंतजार करवाया आप लोगों ने। अगर आपको शिकायत करनी है तो आप इनसे कीजिए। अच्छा, दोपहर से तैयार होना शुरू किया है तो आप जाके पहुंचे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए आइए आइए। वेटर,
हाय शर्मा, हाउ आर यू? फाइन। फिर उस अजीब गरीब शाम की पहली अजीब बात हुई। सॉरी मिस अय्यर। शट अप। कौन है ये औरत? इतनी रूड और बदतमीज। अचानक पार्टी में जैसे हंगामा हो गया। ये सब लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? I don't know. आओ देखते हैं हम भी। और उस हंगामे के बीच मैंने उसे देखा। खूबसूरत चेहरा, आंखों में अजीब सी कशिश। मैंने डॉक्टर चैटर्जी से पूछा। डॉक्टर चैटर्जी ने उसके एक अजीब और गरीब गुण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये औरत अपनी दिमागी ताकत से किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है, किसी के भी दिमाग पर अपना वश कर सकती है और उस शख्स से वो कुछ भी करवा सकती है। हेलो कौमुदिनी। हेलो कौमुदिनी, दिस इज प्रोफेसर कुमार और उसकी फियांसी अंजू। हाय। हेलो। 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 अंजू, लेट्स गो। एक मिनट प्रोफेसर, क्या आपको डॉक्टर चैटर्जी की बातों पर यकीन नहीं आता? कौन सी बात है? यही कि मैं किसी को भी अपने दावे पे रख सकती हूँ। प्रोफेसर कुमार, कहाँ थे 3 दिन तक? आप से मुलाकात ही नहीं हुई। प्रोफेसर कुमार, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मिस अय्यर को ये पता भी नहीं कि ये हुआ कब और कैसे हुआ। ये तो मेरी कला का एक छोटा सा नमूना है। मिस रॉय, मैं ये नहीं जानता ये क्या था, लेकिन मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस में विश्वास रखता हूँ और इतना जरूर जानता हूँ कि साइंस बिना फैक्ट, बिना तर्क और बिना सबूत के कुछ नहीं मानती। और अगर सबूत मिल जाए तो? जो चीज है ही नहीं उसका सबूत कहाँ से लाओगे? प्रोफेसर कुमार, ऐसे नहीं, एक मिनट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोफेसर कुमार ने मेरी विद्या और साधना को चैलेंज किया है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए, मैं उसके माइंड को सिर्फ कुछ पलों के लिए कंट्रोल करूंगी। आप में से कोई
आना चाहता है? कोई नहीं। वेल, व्हाट अबाउट यू प्रोफेसर कुमार? आप इतना कह ही रही हैं तो मैं आपकी कला को देखना ज्यादा पसंद करूंगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, बस सिर्फ कुछ पलों के लिए मैं आपके माइंड को कंट्रोल करूंगी। स्टिल नोबडी? मैं तैयार हूं। क्या कर रही हो तुम? प्रोफेसर कुमार, ये तो और भी अच्छी बात है, और ये तो आपकी मंगेतर है ना, इनकी बातों पर तो आप विश्वास करेंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको कुछ। आप परेशान मत होइए प्रोफेसर कुमार, आपको अगर मेरी विद्या पर भरोसा ही नहीं है या आप बिलीव ही नहीं करते तो आप डर क्यों रहे? कुछ नहीं होगा, इट्स वेरी सिंपल। रिलैक्स डियर, कुछ नहीं होगा। अंजू, मैं डरने की कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे आंखों में। चाहती तो अंजू से इस वक्त कुछ भी करवा सकती थी, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे इसलिए मैंने उसे सिर्फ सोने का ऑर्डर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं, ये हिप्नोसिस है, 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद कोई भी कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से उठकर दूर चली जाती हूँ। अगर ये हिप्नोसिस है तो टूटते हुए देर नहीं लगेगी, आप इसे उठाकर देख लीजिए। अंजू, 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 अंजू। प्रोफेसर कुमार, आप हार मान लीजिए, मैं उसे उठा देती हूं। आपको जीत की खुशी देने के लिए चलिए मैं हार मान लेता हूं। Thank you.
मुझे क्या हुआ था? लगता है तुम रात को सोई नहीं, कर चलो। कुमार मेरी बात तो सुनो, कुमार वेट फॉर मी, कुमार वेट, तुम्हें हुआ क्या? देखो अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो रहो, मैं नहीं रहना चाहता बस। ओके ओके, डोंट गेट अपसेट। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता बस, दैट्स ऑल। ओके ओके, मैं कम से कम डॉक्टर चाटर्जी जी को बता के तो आ जाऊंगी, हम लोग जा रहे हैं। जाओ जल्दी फटाफट बुला, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके ओके। आप यहाँ? आपकी और मेरी मुलाकात कुछ अधूरी रह गई। अब तो आपकी जीत भी हो गई है, अब आपको क्या चाहिए? चाहत, चाहत कब किसकी पूरी हुई है? एनीवे, ये रख लीजिए। ये क्या है? इस अधूरी मुलाकात को पूरी करने की कोशिश, ले लीजिए। इसे आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे खोलिएगा, ठीक 9:30 बजे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। What a pleasant surprise! क्या हुआ? मंजू, यहाँ इस वक्त बात क्या है? हमारी एंगेजमेंट रिंग। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या बात कर रही हो तुम? एक महीने बाद हमारी शादी है। मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ती हूँ अभी इसी वक्त। अंजू बस, इट्स ऑल ओवर। लुक अंजू, मैंने यहाँ तो तुम क्या बोल रही हो और क्यों बोल रही हो, लेकिन मेरे संबंध में कुछ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ समझाने नहीं बताने आई,
हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश करो और ना ही मिलने। अंजू, गुड बाय। अंजू, मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? I said, leave my hand. अंजू, तुम्हें किसने भड़काया है मेरे खिलाफ? There has to be a misunderstanding. अंजू, मुझे बात तो करो तुम। I love you, अंजू। But I don't love you. अंजू! Hello, Professor Kumar. Miss Roy here. Miss Roy, कौन Miss Roy? हम दोनों कल रात को पार्टी में मिले थे, याद है? ओह, वो Miss Roy. कहिए। 9:30 बज रहे हैं। क्या आपने वो लिफाफा खोला? नहीं तो? क्या हुआ प्रोफेसर कुमार? You sound disturbed. क्या अंजू आई थी? ये बात आपको कैसे पता चली? आप लिफाफा खोलिए। हेलो, हेलो, हेलो। प्रोफेसर कुमार, मेरी विद्या, मेरी साधना का कोई अपमान करे मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं 9:15 पर अंजू के माइंड को कंट्रोल करके आपके पास भेजूंगी। अब तक वो शादी तोड़कर जा चुकी होगी। घबराइए मत, ये सब अंजू ने नहीं कहा है, मैंने कहलवाया है। कुछ देर पहले जिस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद है मेरी विद्या पर आपको यकीन हो गया होगा। हाय, यू आर अगेन लेट बाय 20 मिनट्स। दाढ़ी क्यों नहीं बनाई आज? And look at yourself, you're just like a kid. हर चीज बतानी पड़ती है। कोट का बटन बंद करो, शेव करो, कंघे करो, don't come late. My God, आज सूरज का फोन आया था, कह रहा था कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है। Anyhow, एक तो मेरी घड़ी भी ना सुबह से काम नहीं कर रही। टाइम क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रहे हो? You really look disturbed. आज सुबह तुम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इतनी सी बात? तो सुनो, 7 बजे मैं उठी, 7:30 बजे अखबार पढ़ा, चाय पी, 8 बजे मैं नहाने गई, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट किया, 9:45 बजे क्या? 9:45 बजे मैंने 9:45 बजे क्या? नौ बजे के बाद तुमने क्या किया? I don't know. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
उसके बाद मैं बुढ़ापा का मेहमान था। 9:15 बजे तुम मेरे घर पर आए, तुमने मेरे साथ झगड़ा किया, हमारी एंगेजमेंट तोड़ी, कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। What are you talking? तुमने अपने एंगेजमेंट रिंग निकालकर टेबल पर रखी। Are you crazy? मेरी एंगेजमेंट रिंग मेरी उंगली में। ये सब कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसने किया इसका अंदाजा शायद है। कुमार, तुमने घर से निकलते हुए कुछ कहा था। What exactly do you mean by that? What happened? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैडम से लेकर कॉल कर ली। प्रोफेसर कुमार आइए बैठिए ना। मिस रॉय, आपने आज अंजू और मेरे साथ जो कुछ किया वो आपको नहीं करना चाहिए। चलिए, आपने मान तो लिया कि ये सब मैंने किया, यही तो मैं चाहती थी। मिस रॉय, आप एक अजनबी को अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? Why me? अजनबी तो हम कल थे ना, आज तो हमारा एक नया रिश्ता जुड़ गया है। रिश्ता आपका और मेरा? हाँ, आपके विज्ञासा का और मेरी विद्या का। मिस रॉय, आपकी विद्या को ना मैं कल मानता था और ना मैं आज मानता हूं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कोई विद्या कोई शक्ति नहीं थी, कुछ और था। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? नहीं, फिलहाल आपको यह कहना जरूर चाहूंगा कि आइंदा मुझसे
और खास करके अंजू से आप दूर रहिएगा। अंजू से तो मैं दूर हूं ही, रही आपकी बात, आप तो यहां अपने मर्जी से आए हैं ना। खुद आया हूं तो खुद जा भी रहा हूं। उम्मीद है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। गुड बाय मिस रॉय। एक मिनट कुमार, तुम मेरी साधना को यूं ठुकरा कर नहीं जा सकते। हम रोज ठीक 11 बजे रात को मिलेंगे, रोज रात कमरे में। मिसेस अय्यर को कॉलेज से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल वाज सेइंग कि शी डजंट कंसंट्रेट एंड देन क्लासेस भी बहुत बंक करती है। पुअर थिंग। कुमार, कल तो मुझे छोड़ने के बाद कहाँ गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं सुन रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम घर कितने बजे पहुंचे। मैं घर पे ही था, जल्दी आ गए। नहीं, तुम जल्दी नहीं आए थे, क्योंकि मैंने रात को 11 बजे तुम्हें फोन किया था, लेकिन रामू काका ने बताया कि यू आर नॉट एट होम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मुझे टाइम दिखाना पड़ेगा तो मैं उस टाइम घड़ी देख लेता। ओके, सो व्हाई यू गेटिंग सो इरिटेटेड? अरे पूछने का ढंग होता है। तुम जाना चाहती मैं कहां था? डॉक्टर चैटर्जी के यहां था। हेलो। हेलो काका, अंजू है। हाँ बोलो बेटा। काका कुमार कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय नमः।
चामुंडा है नमः।